तिशा सालियान केस में उसकी जांच भी सीबीआई करे और कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए, इसको लेकर एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अब जो है आज उस पर सुनवाई थी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल दिशा सालियान का जो कनेक्शन है वो सुशांत केस से है, और अगर रोहन रॉय को ढूंढ लिया जाएगा तो ये पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। इस तरह एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। उन्होंने ये भी कहा था, युवराज ने जो है ये पिटीशन डाली थी जो सुशांत के दोस्त हैं, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ये भी कहा था कि रोहन रॉय के पास सारी कड़ियाँ हैं, अगर उसको ढूंढ लिया जाता है तो सभी कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ जाएंगी और केस सॉल्व हो सकता है। उन्होंने सुशांत के परिवार से अपील भी की थी कि वो आगे आए क्योंकि पूरा केस भटकता हुआ नजर आ रहा है। अब उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सभी दलीलों को सुन लिया गया है और मंडे तक ये पूरा मामला जो है एडजॉर्न कर दिया गया है, यानी अब मंडे को इस मामले पर सुनवाई होगी। पिटीशन में इस बात की मांग की गई थी कि दिशा सालियान केस भी जो है उसमें कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ये आप सभी जानते हैं कि सुशांत का जो केस है सीबीआई देख ही रही है, और इस केस में अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि इस पूरे केस का कनेक्शन दिशा केस से है तो वो दिशा केस की भी जांच करेगी और उसको सुशांत से जोड़कर देखेगी सुशांत केस से। ऐसे में एक फ्रेश पिटीशन जो है कोर्ट में डाली गई और इस बात की मांग की गई कि दोनों केस में बहुत ज़्यादा जो है, दोनों ही केस होमिसाइड केस हो सकते हैं और इसीलिए दिशा केस में भी जांच होनी चाहिए सीबीआई की, लेकिन कोर्ट मॉनिटर। अब आज उस पर सुनवाई थी जो मंडे तक टाल दी गई है। इसको लेकर मंडे को कोई भी फैसला आता है तो हम आप तक लेकर फिल्म विंडो पर ज़रूर आएंगे।